जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता, तब वह नौ द्वारों वाले नगर में अथवा भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो ये इसमें विचार करने वाली बात मुख्य भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं कि मुख्य रूप से वो जीवात्माएं जिन्होंने अपने पूर्वकृत कर्म फलों के कारण से और इच्छाओं के कारण से कोई ना कोई भौतिक शरीर, विशेषकर मनुष्य शरीर ले रखे हैं, और वो जीवात्मा अपनी प्रकृति को, जो उसकी प्रकृति है या उसका स्वभाव है, अगर उसे वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। अब मन के समस्त कर्म कौन से हैं? जो मुख्य रूप से तीन बताए गए मन के कार्य, जिसे कह सकते हैं कर्म या कार्य। मन के तीन कार्य कौन से हैं? एक है सोचना या विचार करना, दूसरा है इच्छा करना और तीसरा है अनुभव करना। ये मन के तीन कर्म या तीन कार्य हैं, और यहां पर विशेषकर भगवान कृष्ण यहां पर जो वर्णन कर रहे हैं, उनके लिए जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको किस तरह का अभ्यास करना होगा जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं मन से समस्त कर्मों का परित्याग। जो भी मैंने मन से मान रखा है, अपनी पहचान मान रखी है देहातो बुद्धि के कारण, जैसे किसी ने माना है मैं तो स्त्री हूं, कोई मानता है मैं तो पुरुष हूं, कोई मानता है मैं तो ब्राह्मण हूं, या कोई मानता है मैं क्षत्रिय हूं या वैश्य हूं, कोई मानता है मैं ब्रह्मचारी हूं अथवा मैं गृहस्थी हूं, या फिर इस तरह से जो हम मान लेते हैं ना, जो मान्यता अपने दिमाग में मैंने मान लिया है, भगवान कृष्ण कहते हैं तो परिणाम ठीक उसके अनुसार, जब हम मान लेते हैं अपनी एक भौतिक पहचान शरीर से, देहधारी, इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण तो पूरी शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उनकी शिक्षा देने पर भी वो कठिन है, उनमें से लोगों को सामान्यतः समझ नहीं आती। लोग इस हद तक उनकी समझ जो है अभी इतनी विकसित नहीं हुई, तो परिणाम बहुत से लोग कई बार कह देते हैं कि हमें तो गीता समझ ही नहीं आती, कुछ कहते हैं हमने पढ़ने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं आता। ऐसे में भगवान कृष्ण से ये से ब्रह्म संप्रदाय में 32वें आचार्य श्रील प्रभुपाद जी उन्हीं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को और अधिक सरल करके समझा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन के समस्त कर्मों का परित्याग जो कर देता है, तो आप सोचिए मन के जो कर्म हैं, सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, क्या इनका परित्याग किया जा सकता है, इनको छोड़ा जा सकता है, इनका त्याग कर सकते हैं? विचार करके देख लीजिए, उत्तर है ये संभव नहीं है कि हम उसको त्याग दें, क्योंकि मन है तो मन तो कार्य भी करेगा, सोचने का भी करेगा, इच्छाएं भी करेगा, और कई तरह की परिस्थितियों में कई तरह के अनुभव भी होंगे। तो हम ये कैसे मान रहे हैं? और जब मन के वश होकर अगर कोई करेगा तो परिणाम में बंधन निश्चित है,
जिसे शास्त्र भी कहता है मना एव मनुष्या नाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही जीव के बंधन का कारण है अगर वश में नहीं है, और मन ही जीव के मुक्ति का भी कारण है अगर वो वश में है। अब पहले हम लापरवाही के कारण इस मन को छूट देते हैं, जो भी मन करना चाहे को वही अंकुश नहीं। ना ना मैं हम खुद तो चलो नियम पालन करने हम, लेकिन हम बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं। सामान्यतः ये पेरेंट्स का ये जवाब होता है, बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं, बच्चों को हम जबरदस्ती नहीं करते उनको, जहां उनकी इच्छा है तो वो भक्ति करें, इच्छा नहीं है तो हम बच्चों को जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन यहां पर ये बात भगवान कृष्ण नहीं समझा रहे। यहां पर जो बात कही जा रही है, मन के समस्त कर्मों का जो परित्याग कर देता है, जो भी मन से सोचना इच्छा करना अनुभव, एक तरह से जिसे कह सकते हैं स्वार्थपूर्ण इच्छाएं करना, शरीर से अपनी पहचान मानकर कर्म करना, मन वाणी कर्म से कार्य करना, तो परिणाम वो निश्चित रूप से उसके बंधन का कारण बनेंगे, या किसी कह सकते हैं दुख का कारण बनेंगे। चाहे हो सकता है वो दुख अभी मिल जाए, चाहे हो सकता है आगे जाकर मिले। जैसे हमने एक जीवात्मा, एक जीव को देखा, एक जो स्त्री चोले में थी माता जी को, जब वो यंग एज के अंदर थी तो बहुत सारे कार्यों में वो मन मर्जी करती थी, किसी की परवाह नहीं करती थी, कुछ सुनना नहीं उसको, बोलने में ऐसी थी कि नॉन स्टॉप बोलना उसने, कहीं किसी से भी उलझ जाना, बहस करने लगना, उसे लगता था मेरे आगे कौन बोल सकता है, अपने को बड़ा वो अहंकार वश सोचती थी, और अपने तरीके से केवल पैसा कमाने के लिए अनेक तरह के उसने व्यवहार किए, जिसमें झूठ सच जो भी बोले उसने अपना कर्म बनाया। ठीक है, अब उस अभी तो उसके सामने कोई बोल नहीं सका था, लेकिन कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन भगवान भी भला किसी को क्यों दंड देंगे, दंड तो जीव के अपने किए हुए पाप कर्मों के फल ही देते हैं, भगवान के पास क्या और कोई काम नहीं है। तो परिणामवश थोड़ी सी एज ढल गई, यंग एज ढल गई। अब यंग एज जब चली गई तो परिणाम जो तेजी से कर्म बनाए थे पैसा कमाने के लिए, कुछ भी तरह का करो बस, परिणाम एक दिन एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होके पीछे जो कोलो का वो है बैक में, वो बोन ब्रेक हो गई, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर या फ्रैक्चर हुआ परिणाम में, अब वो स्टिक के बिना चल नहीं सकती, और अब पता नहीं अब थोड़ा बहुत घर में वॉक करती, लेकिन अब पहले जैसा वो परिणाम में अपने आप ही अब हिम्मत नहीं जुटा पाते कभी फोन करने का हमें या महाराज जी को। तो परिणाम जब तक शरीर में थोड़ी भी शक्ति होती है ना, जीव सोचता है खूब दबा के पैसा कमा लूं, खूब भोग कर लूं, खूब अपने हिसाब से चलूं, मैं किसी की बात क्यों सुनूं, जब मेरे पास इतनी कला है, बोलने की कला है, बिजनेस करने की मेरे पास कला है, पैसा कमाने की कला है, कोई परिवार में मेरे आगे बोल नहीं सकता हिम्मत के किसी की आवाज निकल जाए। लेकिन कितनी देर तक जैसे ही वो थोड़ी सी युवावस्था ढली परिणाम में, अब अपने किए कर्मों के फल शुरू हो गए चलने, खुद पर और परिवार पर, आखिर में बिस्तर पे आ गई, पता नहीं कितना टाइम बिस्तर पे, साल भर रही, डेढ़ साल रही, परिणाम में अब स्टिक से बिना कर नहीं सकते। तो इसलिए समझें, हम सब समय रहते पहले कर्म बढ़ाते जाते हैं जब तक शरीर हाथ पर ठीक से काम करे, लेकिन जब शरीर बिल्कुल बेकार हो गया तो फिर सोचते हैं ऐसे करते चलो आश्रम में चल के भक्ति करेंगे, बच्चा हुआ जीवन, वो बच्चा जीवन भक्ति क्या करेंगे, ये कहो कि आश्रम पे चल के बोझ बनेंगे, अब थोड़ा सा जब समय था तब भक्ति करने को मन को तैयार नहीं किया, खूब पैसा कमाने में लगे रहे, अब परिणाम अब पैसा भी हाथ नहीं रहा और परिणाम में शरीर भी बेकार हो गया, तो अब सोचते चलो आश्रम में चल के भक्ति करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई चाहता है कर्मों का अगर वो परित्याग कर देता है,
लेकिन किससे? पहले यहां बात कही जा रही है मन से, इंद्रियों के कर्मों का परित्याग करने की भी बात, क्योंकि सब इंद्रियां मन के कंट्रोल में है, मन ही चला रहा है। मन कहता है आंखों को देखो, सामने देखो, बहुत सुंदर वो जा, उसकी सुंदरता कितनी है, चलो देखो, और एकदम आंखें देखने लगती है मन की बात। मन कहता है देखो कितनी मधुर आवाज आ रही है, उसी समय कुछ भी सुनना शुरू कर देंगे। मन कहेगा देखो कितनी अच्छी सुगंध है, चाहे भगवान को ऑफर नहीं भी की हो, एकदम सूंघना शुरू कर। इस तरह से हमने ये मन जो है इंद्रियों को एक तरह से कंट्रोल करता है, लगाम है एक तरह से, और घोड़ों के ऊपर, इंद्रिय रूपी घोड़ों पर। और भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, ऐसे में अगर कोई साधक या फिर कोई व्यक्ति, चाहे कोई फिर स्त्री पुरुष किसी भी शरीर में हो, अगर किसी योग्य गुरु से, प्रमाणिक गुरु से, भगवान कृष्ण से चल रही गुरु परंपरा के किसी आचार्य से अगर मार्गदर्शन ले, चाहे फिर वो कैसे भी करके साम दाम दंड भेद वो सुधार करेगा, फिर योग्य गुरु अगर होगा तो वो ये नहीं होगा। आजकल सामान्यतः क्या होता है कि केवल बातें करना, मीठी मीठी, सुधार नहीं कर, सुधार करेंगे तो वो भाग नहीं जाएंगे, अगर भाग गए तो कल को फिर पैसा कौन देगा, खूब सारे जो नोट लगे थे। आज क्या है, वो सोच मानसिकता जिनकी है उनकी बात नहीं हो रही, वास्तव में जो योग्य गुरु होगा वो तो सुधार करेगा। और वही प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने भले ही उन अंग्रेजों से बड़े मित्रतापूर्ण तरीके से फ्रेंडली डील किया उनसे व्यवहार, लेकिन जहां पर आवश्यकता पड़ती थी प्रभुपाद जी सुधार करते थे। जिन्होंने प्रभुपाद जी के सुधार को सहन कर लिया, आज उसका वो आध्यात्मिक तौर पे भी लाभ उठा रहे हैं, और इस संसार में जब तक हैं तब तक भी उसकी उनको बेनिफिट या लाभ मिल रहा है। और जिन्होंने प्रभुपाद जी के सुधार को सहन नहीं किया, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज संस्था में नहीं है, और जब संस्था में नहीं है तो उनकी कोई पहचान भी नहीं है, परिणाम में खा रहे होंगे कहीं पर ठोकरें खा रहे होंगे। इसलिए इस बात को पहले समझ लें, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है तो सुधार तो गुरु जी करेंगे ही, गुरु महाराज। अगर हम कहते हैं नहीं नहीं सुधार कोई ना करे, तो परिणाम फिर आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होगी, माला जरूर घूमती रहेगी, ठीक है, एक नियम तो होता रहेगा। हाँ, आज हमने 16 की, आज 25 की, आज 32 की, आज हमने 64 कर ली, आज हमने 108 कर ली। एक साधक था 120 माला जप करता था, लेकिन आज वो मन के वश होकर भटक गया। अब बताइए 120 माला जप करना और फिर मन के वश हो जाना, क्यों? क्योंकि मन के कर्मों का परित्याग नहीं कर पाया। मन के क्या है कर्म? अपने निजी स्वार्थवश, मैं मेरा मानकर, मैं अपने देहधारी शरीर से पहचान मानकर, और मेरा शरीर से संबंधित, जिसको भी संबंधित मानना, चाहे भौतिक परिवार से संबंध बनाए रखना, चाहे कोई भी अन्य, चाहे घर से संबंध बनाए रखना, मेरा तो अलग से घर है कोई बात नहीं, कहीं और जाके अपना घर में रहते उस तरीके से कर लेंगे परिवार, पैसा है अलग अलग घर लिए हुए हैं किसी और उसमें रह देंगे, अकेले रह के भजन। इस तरह से मन के वश होकर, यहाँ पर बात मुख्य रूप से भगवान के मन के कर्मों का परित्याग, ये बात विचारने वाली है, ये मुख्य रूप से बात। और परिणाम मन के वश होकर 120 माला कर रही, और उसके कितने समय तक का? कुछ साल तक, और उसके बाद एक दिन बिना बताए चुपचाप भटक गए, चले गए। परिणाम जिसे कहते हैं किए कराए पर फिर पानी फेर दिया अपनी सारी की मेहनत पर, क्योंकि जब आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा में ही अगर हम नहीं रहेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति भला कैसे संभव होगी, संभव ही नहीं है। इसलिए समय रहते विचार करना चाहिए इन बातों का। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में, प्रकृति को कह सकते हैं एक तरह से स्वभाव, अब कोई कहे
चीनी का ना, चीनी जो है हम, मेरे को चाहिए तो सही, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा करें कि मेरे को नमकीन वाली चीनी ला दीजिए, जिससे थोड़ा सा नमकीन हो चीनी। अब कोई हंसेगा सुनकर कि चीनी भी भले कभी नमकीन होती है, चीनी का तो स्वभाव ही है मीठापा। अब कोई कहे मेरे को थोड़ी सी बर्फ ला दो, लेकिन ठंडी ना हो, तो बर्फ का तो स्वभाव ही है ठंडक देना। अग्नि तो चाहिए, लेकिन वो ऊष्मा नहीं थे, वो गर्मी नहीं उससे निकले। अब ठंडी आग कहाँ से लेकर आओगे, विचार करो। तो परिणाम ये सब, जैसे जैसे सबके स्वभाव हैं अपने अपने, सूर्य देव का, चंद्र देव का, अग्नि देव का, वायु देव का, जल देव का, सबके अपने अपने स्वभाव। ठीक इसी तरीके से भगवान कृष्ण कहते हैं जीवात्मा ने भी अपने पूर्व जन्मों के, पूर्व कितने जन्मों के कोई गिनती ही नहीं, कुछ 100 जन्म, कुछ 1,000 जन्म, कुछ 1,00,000 जन्म, जितने भी, जब से भी उसका अकाउंट चल रहा है, कर्मों का खेल चल रहा है, पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसके फल अनुसार हमें इस जन्म मिला है। अब जो कर्म वो कर रहे हैं अगले जन्म में फिर मिलेगा, फिर जो करेंगे फिर अगले जन्म में, फिर करेंगे फिर अगले जन्म, ये श्रृंखला चलती ही रहेगी नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए। अगर इसको रोकना है, कर्मों की इस भयानवय श्रृंखला को, तो हमें अभ्यास करना होगा, इसका विचार करना होगा कि हमें अपने किए कर्मों को इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, या कृष्ण भावना भावित होकर करना है, कि परिणामवश वही कर्म धीरे धीरे हमारा संस्कार बनेंगे, और वही संस्कार फिर स्वभाव बनकर पक्का हो जाएगा। इसलिए पहले क्या होता था, शुरू के जो 25 साल होते थे, 100 साल अगर उम्र हो तो शुरू के 25 साल होते थे ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था, 5 साल तक तो बच्चा अपनी माता के पास रहता था, माता पिता के, 5 साल से वो, 5 साल पूरे होते ही गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो वो 5 से लेके 25 साल तक लगभग 20 साल गुरुकुल में रहकर ट्रेनिंग लेता था। ये नहीं कि हम भी लें, हर एक विचार करे इस बारे में। और गुरुकुल में ट्रेनिंग लेने से उसको इस बात का पता चल जाता था कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिसके हम प्रलोभन में आ रहे हैं माया के, माया शक्ति के, उसका परिणाम क्या होगा, विचार करिए। और यहाँ पर प्रभु, यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं फिर आगे, और फिर कर्मों से हमारे संस्कार, और फिर संस्कार से स्वभाव बनेगा। एक लंबे समय तक जब हम कर्म करते रहेंगे वो संस्कार बन जाएंगे, फिर वही कर्म दोबारा आगे करते रहेंगे ठीक वैसे ही, तो परिणाम में वही संस्कार फिर स्वभाव बनकर पक्के हो जाएंगे, उसका स्वभाव। जैसे मैंने उदाहरण दिए, चीनी का स्वभाव है मीठापन, अग्नि का स्वभाव है तपिश देना, ऊष्मा देना, तो वो स्वभाव यहाँ पर वर्णन है जीवात्मा अपनी प्रकृति को, जो अपने स्वभाव को वश में कर लेता है, वो फिर माया से प्रभावित नहीं होता उसका मन। कि जैसे ही कोई रूप लेकर माया देवी आई नहीं, मन कहता ये ठीक। जैसे महाराज जी ने हमें दिल्ली के अंदर भेजा, एक कहीं पर किसी मैरिज में जरूरी, किसी को हम साथ में ले गए, एक किसी साधक को। अब उस मैरिज में गए तो वो शायद कहीं, पता नहीं 5-स्टार होटल था या 7-स्टार होटल था। अब परिणाम में होटल में गए तो वहां जो मैरिज थी, उस मैरिज के अंदर जितने भी गेस्ट आए हैं, सबके खाने के लिए क्या है, सोने के बर्तन है, गोल्ड के। अब विचार कीजिए, गोल्ड की, सोने की प्लेटें, सोने की कटोरियां, सोने के चम्मच। अब वो हमें कहते हैं आप कुछ तो खाइए, हम तो अन्न का कैसे बहाना करें। वो कहते भगवान को भोग लगा हुआ है, बिना प्याज लहसुन का है, स्पेशली बना हुआ। तो कैसे लें, तो परिणाम में शायद हमने थोड़ा सा, पता नहीं, आइसक्रीम ले ली या कोई फ्रूट फल, थोड़ा सा अन्न नहीं लिया, बाहर का बना हुआ। पता नहीं बनाने वालों ने क्या क्या, वो जो कुक हैं वो नॉन वेज खाते हों, क्या करते हैं। तो परिणाम
जो हमारा स्वभाव है, भगवान कृष्ण कहते हैं देहधारी। देहधारी शब्द लगाने का मतलब ये कि बद्ध जीव, बस। जिस देहधारी मतलब जिसने अपनी देह से पहचान मान रखी, देहधारी जीवात्मा। नहीं तो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण ये भी कह सकते थे जो शुद्ध भक्त हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, लेकिन यहां पर कह रहे देहधारी जीवात्मा। जब तक अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को वश में नहीं करता कि मुझे अब स्वभाव अपना अलग से कोई बना के नहीं रखना, कि मुझे अब स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करने हैं, मुझे तो केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं, जैसी भी परिस्थिति आए भगवत गीता के अनुसार कर्म करने। अब ये नहीं कि अपने स्वभाव का रट्टा लगाना है। जैसे महाभारत के प्रसंग में वर्णन है कि महाभारत का जिस समय शुद्ध की जब स्थिति बन चुकी थी, या शायद शुद्ध शुरू भी हो चुका था, तो बार बार कोई भी बात होती तो द्रौपदी महारानी अपने केश सामने कर देती थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने बड़े तरीके से इनडायरेक्टली उनको थोड़ा सा फटकार मार दी। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, तू हर परिस्थिति के अंदर अपने केशों को बीच में मत लाया कर, क्योंकि भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं ये केवल तेरे बालों के लिए युद्ध नहीं चल रहा, केशों के लिए, कि किसी ने अपमान किया है तेरा, दुशासन ने, दुर्योधन ने, केवल मात्र उतने के लिए युद्ध नहीं हो रहा भाइयों का, ये युद्ध हो रहा है धर्म युद्ध। सारे वर्ल्ड की आर्मी दो हिस्सों में बटी है, कुछ है कौरवों के साथ अधर्मी जो है राजा और उनके सेनाएं, और कुछ जो धर्म के पक्ष में रहना चाहते हैं वो पांडवों के साथ में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने वहां द्रौपदी महारानी को भी इस बात के लिए थोड़ा सा सुधार कर दिया। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपने उस स्वभाव को फिर बीच में ले आते हैं। आज हमने किसी को कह दिया कि भाई आपके बारे में कोई ऐसी बात हुई, बस एकदम अपने स्वभाव, ठीक है फिर हम ऐसा कर। मैंने कहा ये है बीमारी आपकी, इसलिए मैं एक महीने से आपको बात नहीं बता रहा था। अगर मैं बताता आपको तो आप अपने स्वभाव के अनुसार फिर शुरू हो जाते हैं। हमने किसी के कहे अनुसार थोड़ी हम चल रहे हैं, हम तो चल रहे हैं गुरु महाराज के अनुसार, प्रभुपाद जी। हमने कोई कुछ कहता रहे, मैंने तो केवल बताया कि ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है जो भी सोचता। लेकिन अगर आप इससे डिस्टर्ब या विचलित होते हैं, इसका मतलब आपकी भी कोई स्टेज बहुत अच्छी नहीं है। फिर एकदम हाँ हाँ, फिर एकदम शांत हो गए जब बताया ये बात। तो यहां पर ये बात समझनी है हमें, अपने प्रकृति जो भी हमने इस जन्म पिछले जन्मों में जो भी, चलो जाने अनजाने में, जानकर और अनजाने में कर्म हो गए, अब उन कर्मों से बने संस्कार और स्वभाव के वश नहीं होना है हमें। इससे अलग हटकर इस बात को बार बार ध्यान में रखना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हुए, मैं जीवात्मा हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी या गृहस्थी या वानप्रस्थी या सन्यासी नहीं हूं। ये जो मैंने बार बार भर लिया है ना दिमाग में, इसको वॉश आउट करना पड़ेगा, जिसको वास्तव में कुछ रियलाइज करना है, अनुभव करना है अगर आध्यात्मिक जीवन का। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण विशेषकर बात कर रहे हैं उन एक तरह से जो मुक्ति पथ पर अग्रसर हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति कर रहे हैं, जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी के चक्र से छूट कर मुक्ति पथ पर ही अग्रसर होना चाहती हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहती हैं। जो भगवान कृष्ण ने कहा भी 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, भक्तिया माम अभिजानाति, केवल भक्ति ही मुझे जान सकता है, यामन जस चास्मि तत्वता, जैसा मैं हूं वैसा तत्व से वास्तव में। तो परिणाम वश ऐसे जो मुक्ति पथ के पथिक हैं, जो मुक्ति पथ पर चल रहे हैं, चाहे स्त्री चोले की जीवात्मा है चाहे पुरुष चोले में है जीवात्मा, भगवान कृष्ण कहते हैं देहधारी जीवात्मा। या न एक ये नहीं कहा स्त्रियां, या ये नहीं कहा पुरुष, देखिए भगवान तो जीवात्मा करके बात कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं अपने शरीर से और वहीं बस उतने ही दायरे के अंदर घूमते रहते हैं, जिसे कहते हैं कूप मंडूक की तरह, जैसे कुएं का मेंढक बस सोचता है जितना जल इस कुएं के अंदर सारी सृष्टि में इतना ही जल है। तो उस बेचारे ने पूरा जब से जन्म हुआ तब से कुएं के अंदर ही जन्म हुआ, कुएं में ही सारा जीवन बिताया, उसको क्या पता बाहर भी दुनिया है या बाहर भी कोई जल पानी है, वो तो सोचता है यही बस है।
और परिणाम भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे में देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में जो कर लेता है जब, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारों वाले नगर में अथवा भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता। तो परिणाम ऐसे में ऐसी जीवात्मा जब सब तरह के कर्मों का परित्याग कर दिया, किसी भी तरह के भौतिक सकाम कर्म, स्वार्थवश किए जाने वाले कर्म, तो ऐसे जीवात्माओं के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, वो चाहे कुछ बिना कुछ किए कराए, ना कुछ करके कराए, ना किसी से कराते हैं, ना खुद करना, कुछ किए कराए ही सुख पूर्वक रहता है। अर्थात जैसी भी परिस्थिति है, जिसे कहते हैं ना गुरु महाराज की, जाही विधि राखे श्याम ताही विधि रही है, कि भगवान कृष्ण जैसे मुझे रखना चाहें हम तो वैसे ही रहेंगे। तो ये बात को यहां विचार करके प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में समझा रहे हैं, देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। सामान्यतः मन इसी सब में फंसा हुआ है, इस नौ द्वारों वाली नगरी के ही चिंतन में सुबह से लेकर रात तक जीवात्मा की चिंता क्या है, केवल शरीर की, खाने की, सोने की। और इस हद तक देहात्म बुद्धि बढ़ जाती है कई बार किसी, तो वो क्या कहते हैं, कहते हाँ बातें सब ठीक हैं, लेकिन फिर भी खाने का तो, जब शरीर ही नहीं ठीक रहा तो भजन कैसे होगा, इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए कम से कम इसलिए तो खाना पड़ेगा ना, मकसद फिर घूम के खाने पे ही आएगी बात घूम कर, ये नहीं कि हाँ अगर ये शरीर जो है भजन करने के लिए स्वस्थ चाहिए तो क्यों ना मैं इतना भजन करूं कि परिणाम में जिससे भगवान जो है हर परिस्थिति के अंदर मुझे ऐसा स्वभाव जो यहाँ बताया जा रहा है, उस स्वभाव को कि बिना कुछ किए कराए इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, ये मानकर खुद तो भजन कर रहे हैं और सारे कार्य हो रहे हैं नॉन स्टॉप। और यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है, शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। फिर यहां पर बताया है शरीर और फिर नगर रूपी शरीर कह लीजिए चाहे, जो यहां पर वर्णन नगर मतलब नौ द्वारों वाला नगर, ऐसा नगर, ऐसा सिटी कह लीजिए नगर जिसमें नौ दरवाजे हैं उससे बाहर आने के, और ऐसी परिस्थितियों के अंदर प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर के जो कार्य हैं, जैसे मुख्य रूप से हैं खाना, सोना, इंद्रियों की तृप्ति करना, शरीर और परिवार की चिंता करना, मुख्य रूप से जो ये चार कार्य हैं प्राकृतिक गुणों द्वारा, जो प्रकृति के गुण हैं, कौन से गुण हैं, जो तीन मुख्य गुण हैं प्रकृति के, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों द्वारा स्वतः अपने आप संपन्न होते हैं। अपने आप परिस्थिति खुद होती जाएगी कि जब समय आएगा आप खुद जाके बैठ जाएंगे टेबल पर या अपना कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे, रात आएगी उसके, लेकिन उसको चिंतन कर करके समय नष्ट करने से अच्छा है। यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है, और परिणाम इच्छा अनुसार परिस्थितियों के परे भी इससे अलग हो सकता है, और वो परिस्थितियों से अलग होना क्या क्या है, जो यहां पर पहले भी बताए गए श्लोकों में, फल की कर्म, फलों की इच्छा को त्याग कर किए जाने वाले कर्म, या कृष्ण भावना भावित कर्म,
और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है। एक दो भगवान की मुख्य शक्तियां होती हैं, एक परा प्रकृति, एक होती है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति होती है भौतिक जगत, ये भौतिक संसार जिसमें हम रह रहे हैं, और अपरा प्रकृति होती है इसके लिए यहां पर वर्णन है, परा है आध्यात्मिक, अपरा है भौतिक। प्रभुपाद जी कहते हैं वो अपनी परा प्रकृति को, आध्यात्मिक स्वभाव को, आध्यात्मिक जीवन के बारे में बिल्कुल भूलने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठता है। जब पूरी तरह से ये बात भूल गया अपनी उन भौतिक इच्छाओं के कारण से, अपने कर्म फलों के कारण से, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो जीवात्मा हूं, जब ये बात भूल गया तो परिणाम में वहीं से ही प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी विस्मृत भूलना शुरू हो जाता है वो, और विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है। तो ऐसे में वो अपने को शरीर समझ बैठता है जो पूरी तरह से, जिसे कह सकते हैं, इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों से जो परे हो जाता है, या फिर परा प्रकृति को जो पूरी तरह से भूल करके वह अपने को शरीर समझ बैठता है, और इसीलिए कष्ट पाता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान को, जैसे कहा ना हमारे आचार्यों ने भी, कृष्ण भोलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जीव जब भोगों को भोगना चाहता है, वो चाहे वो भोगों में पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे ओरिजिनल शरीर हो, या वास्तव में मिला वो जो है भौतिक शरीर, और कृष्ण भावना अमृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। और अगर वो कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर ले, भगवान श्री कृष्ण की भावना से भावित हो जाए, जिसके सारे कर्म ही भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हों, तो ऐसा कृष्ण भावना अमृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे में इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है, अगर अपनी वास्तविक पहचान को फिर दोबारा से प्राप्त कर ले कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा भगवान कृष्ण का अंश हूं, और इसका स्मरण रखते हुए वो अपने सारे कार्य करे, कि जो भी उसके पास में किसी भी माध्यम से कुछ भी आएगा, तो परिणाम जो यहां पर जैसा वो, कि वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयोग होगा, फिर अपने सुख के लिए नहीं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः जो ही कोई कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। अभी तक जो शरीर मानकर कार्य हो रहे थे, खाने के, सोने के, इंद्रियों के, तर्पण के, लेकिन जो ही कोई कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर लिया, किसी ने भगवान श्री कृष्ण की भावना से जो भावित हो गया, तो परिणाम तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है।
वह नौ द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे जैसे वो संयमित जीवन जिएगा, कोई भी व्यक्ति इंद्रियों पर और मन पर संयम करके, इन छह इंद्रियों पर, पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन सूक्ष्म इंद्रिय, और इसके अलावा पांच कर्म इंद्रियां, अगर किसी ने इन ग्यारह इंद्रियों पर संयम बनाने का अभ्यास कर लिया, तो परिणाम प्रभुपाद जी उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन कार्य प्रणाली जो उसके तरीका है उसमें परिवर्तन आ जाता है। और ये जो नौ द्वारों वाली नगरी है, इसके लिए वर्णन है कठो श्वेताश्वतर उपनिषद में, नव द्वारे पुरे देही हसौ हंसौ लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्वास्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले जो भगवान हैं, ब्रह्मांड के समस्त जीवों के, सारे जीवों के नियंता है, समस्त जीवों के। यह शरीर, यहां पर कोई ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर केवल मनुष्य ही, यहां पर पता है समस्त जीवों के नियंता है भगवान ब्रह्मांड। यह शरीर नौ द्वारों, दो आंखें, दो नथुने, दो दांत, नथुने दो कान, एक मुंह गुदा तथा उपस्थ से युक्त है शरीर ये नौ द्वारों से। और बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अब ये बात विचार कीजिए कि भगवान की भांति मुक्त हो जाने के लिए, यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं किनके लिए, जो बद्धावस्था में जीव है अपने आप को जो शरीर मानते हैं, किंतु जब वह असली पहचान, जो उनकी अपनी पहचान है, अपने पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, कि हृदय में जो भगवान रहते हैं वो और ये शरीर नश्वर और भगवान शाश्वत, जब इससे पहचान करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर में, शरीर के बाहर था आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। सभी महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। ये वास्तव में भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, क्योंकि प्रबल देहात्म बुद्धि के कारण, बद्धावस्था के कारण, अपने पूर्व के कर्मों से बने, सामान्यतः हम चाहते भी नहीं हैं इस बात को व्यवहारिक रूप देना जो सच्चाई है। सामान्यतः अधिकतर साधकों का यही है कि बातें सब सुनेंगे, सत्संग भी सुनेंगे, प्रवचन भी करेंगे, प्रवचन सुनेंगे भी, चर्चा भी करेंगे,
लेकिन फिर भी चिंतन तो यही रहेगा कि मेरा, मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मैं क्षत्रिय हूँ या वैश्य, बातें फिर घूमकर फिर उसी शरीर के स्तर पे। आप इससे समझ सकते हैं हम कि कितनी प्रबल हमारी बद्धावस्था है कि कितना भी प्रयास करने के बाद फिर सोचने का तरीका बदलता नहीं है। अगर सोचने का तरीका बदल जाए तो वो भगवान की सेवा को छोड़कर कुछ और करे ही ना, लेकिन तब जब बदल जाए विचार। यहाँ पर यही प्रसंग का मुख्य रूप से वर्णन है आखिर में, जिसे फिर प्रभुपाल जी कहते हैं कि बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं समझो हमारी ये बद्धावस्था है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, जो अंतर बैठे हुए एक तरह से कई बार जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण उसको भी शरीर का एक तरह से भगवान कह दिया जाता है, इस शरीर का एक तरह से वो ईश्वर है, स्वामी है, स्वामी कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, हर कोई अपने अपने उस शरीर का स्वामी है। और परिणाम जब वो जीवात्मा करके उससे प्रचार करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है, लेकिन जब अपनी पहचान वो शरीर से करता है तो परिणाम में वो बद्धावस्था ना तो उसकी कटेगी ना मुक्ति मिल सकती है, और बार बार के उसी शरीरों के परिवर्तन में फेंक दिया जाएगा। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, फिर आखिर में प्रभुपाद जी जो विषय समझाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण भी और प्रभुपाद जी भी, वो क्या है, कृष्ण भावना से भावित जो व्यक्ति है, जिसके सभी कार्य भगवान कृष्ण की भावना से भावित हैं, हर बात को हर कार्य को कृष्ण से संबंधित होकर ही माने करेगा। और फिर शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है, ना बाहर के कोई उसके कर्म उसे बांध सकते हैं शरीर से होने वाले कर्म, और ना ही आंतरिक जो मन के अंदर उसकी विचारधारा जो सोचने का ढंग है वो कोई उसके ऊपर कर्म बनने दे। क्यों? क्योंकि उसके सारे कार्य कृष्ण भावना से भावित है, लेकिन देखने में हमारे जैसा ही लगे। इस बात का विचार करना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को कि वास्तव में शरीर में रहते हुए भी हमें शरीर से कैसे अलग रहना है, ये अभ्यास सीखना है हमें प्रमाणिक गुरु से, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हुए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं इससे संबंध में। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत